हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस क्लास में राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी 4 मार्च 2024 का पेपर, संपूर्ण पेपर बताने वाला हूँ। पूरे के पूरे पेपर का निचोड़ बताने वाला हूँ, ठीक है। किस प्रकार से आप यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी के पेपर को यहाँ पर क्रैक करेंगे, कैसे आप आंसर को लिखेंगे, कैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट के कॉमेंट आ रहे थे कि हमें इंग्लिश कंपलसरी का पेपर बता दीजिए, ठीक है। जो प्रश्न 4 मार्च 2024 के पेपर में मिलने वाले हैं, वही सभी प्रश्न आप सभी को बताने वाला हूं। वो आपको जो पेपर है 4 मार्च 2024 को, वो आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, जिस मॉडल पेपर में से 100% आपको यहाँ पर एग्जाम के पेपर में क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सेक्शन ए है, जो कि आपके सेक्शन ए जो होगा वो यहाँ पर रीडिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? रीडिंग सेक्शन है। उसी प्रकार से सेक्शन बी रहेगा, वो राइटिंग सेक्शन होगा। सेक्शन जो बी राइटिंग सेक्शन, सेक्शन जो सी होगा वो ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो डी होगा वो टेक्स्ट बुक की जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से 4 आपको सेक्शन मिलेंगे एग्जाम के पैटर्न में। पेपर में 80 मार्क्स का यहाँ पर आपके पेपर है, यानी 80 मार्क्स का क्या मिलने वाला है आपको, पेपर मिलने वाला है। अब कितने आप 80 में से आप मार्क्स लाते हैं, कितने आप अच्छे यहाँ पर मार्क्स आपको अच्छे आंसर को लिखना है, कैसे लिखेंगे अच्छे आंसर को, कैसे आप अंग्रेजी के पेपर को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत है स्टूडेंट को, ना तो इंग्लिश पढ़नी आती है, ना समझते हैं, ना अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में, इस क्लास में हम एक ऐसी यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं 4 मार्च 2024 के 12th इंग्लिश पेपर, इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रीडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861। हिज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वाज ए वेल नोवन सोशल एंड रिलीजियस लीडर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट जो यहाँ पर आपको पैसेज मिलेगा उसको रीड करना है, फास्टली रीड करना है। कैसे रीड करना है? फास्टली रीड करना है। जैसे आप उसको फास्टली रीड करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको एग्जाम के पेपर में? क्वेश्चंस मिलेंगे नए पेपर पैटर्न 2024 के अनुसार। नए पेपर पैटर्न 2024 के अनुसार क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेंगे? ऑप्शंस भी मिलेंगे, यानी कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जैसे अपने पढ़ा होगा पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो व्हेन एंड वेयर वाज रविंद्रनाथ ठाकुर बोर्न, यानी रविंद्रनाथ जो ठाकुर है उनका जन्म कहाँ और कब हुआ, कहाँ और कब हुआ, तो इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ ठाकुर बोर्न। तो ये जो बोर्न है आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि 7 मई 1861 को, 7 मई 1862 को, जो ऑप्शंस मिलेंगे। अब जो सही ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पर, बोर्न जो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ड है, क्या है, मेन वर्ड है, उसको फाइंड करना है आपको पैसेज में, फिर आप आंसर को देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर का पता लगा सकते हैं। लास्ट में आपको दो क्या मिलेंगे, एक आपको मिलेगा सिमिलर वर्ड, क्या मिलेगा आपको, एक सिमिलर वर्ड, एक मिलेगा आपको एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट, क्या मिलेगा आपको, ऑपोजिट। तो ये दो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर सेक्शन बी में आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि एप्लीकेशन, क्या मिलेगी आपको, एप्लीकेशन, आपको जो सेक्शन बी है उसमें एप्लीकेशन मिलेंगी, लेटर मिलेंगे, स्टोरी मिलेगी, ठीक है, नोटिस भी है, ठीक है, ये अथवा में भी मिलेंगे क्वेश्चंस आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज यू आर अवनी स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोनेर, एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, राइट ए नोटिस टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रन डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14th November 2023। तो यहाँ पर चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने के लिए एक नोटिस जो यहाँ पर आपको तैयार करना है, तो अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो क्या आपको लिखना है, राइट ए नोटिस। तो ये नोटिस है, तो सबसे पहले आपको समझना है नोटिस के फॉर्मेट को। कैसे आप समझेंगे नोटिस के फॉर्मेट को, ये आपका पूरा क्या रहेगा, नोटिस का फॉर्मेट रहेगा ये।
स्कूल का नाम आपको भरना है जैसे GSS, ठीक है, GSS जालोर, ठीक है, ये एक स्कूल का नाम आ गया। यहाँ पर आपको लिखना है नोटिस, क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, डेट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद क्या टॉपिक है, तो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट, क्या लिख सकते हैं, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट, यहाँ पर समरी आ जाएंगी। इस प्रकार से आप नोटिस को क्या करेंगे, राइट करेंगे। फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट में किसी प्रकार का आपका सेंसेस नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट एकदम करेक्ट होना चाहिए, चाहे वो ईमेल लेटर का फॉर्मेट हो, चाहे एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो, चाहे एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट हो, चाहे रिज्यूम का हो, चाहे जॉब एप्लीकेशन का हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट है लोकल न्यूज़पेपर के लिए, प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन 100 वर्ष, 100 वर्ष में एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। ए बैंक रॉबरी इन यूको बैंक, यूको बैंक के अंदर रॉबरी हुई है, उसकी क्या तैयार करनी है आपको, एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। दैट यू विटनेस लास्ट नाइट, उस समय आप सक्षम थे, ठीक है, विटनेस थे, गवाह थे, तो उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप रिपोर्ट तैयार नहीं करते हैं, यदि आपको वो टॉपिक या वो जो रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको भारी मतलब हार्ड लग रहा है, हार्ड क्वेश्चंस लग रहा है, तो आप एक पैराग्राफ अथवा हमें ऑप्शंस मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूज कंपटीशन या कॉन्टेस्ट, तो उसको लेकर क्या मिल सकते हैं आपको, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, क्यूज कंपटीशन कॉन्टेस्ट के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं योर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम एज वेल एज बैड रोड्स, ठीक है, डियरेंस प्रॉब्लम, राइट ए लेटर एडिटर, ये क्या है, लेटर है, कैसा लेटर है, एक फॉर्मल लेटर है, कैसा लेटर है, एक फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर नहीं है, तो सेंडर रिसीवर जो भी एड्रेस वगैरह लिख के आप क्या कर सकते हैं, एडिटर को यहाँ पर आपको क्या करना है, लेटर लिखना है, ठीक है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और आपने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड पेपर वगैरह डाउनलोड नहीं किए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, arzstudymonitor.com, ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 12th आपकी साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सभी मॉडल पेपर आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। अथवा में आपको यहां पर आप देख सकते हैं एक लेटर है जो कि रिप्लेस को लेकर है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको हुबहू 4 मार्च 2024 के पेपर में ये आपको लेटर अथवा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। यू आर संजय आदर्श नगर जयपुर, यू आर ऑर्डर ए वॉशिंग मशीन फॉर्म एल जी इलेक्ट्रॉनिक से आपने एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर की थी जयपुर में, इट वॉज ए डिफेक्टिव पीस, अब वो जो है खराब पीस आगे आपको डिलीवर हो गया, तो आपको उसके लिए रिप्लेस करने के लिए क्या लिखना है, लेटर लिखना है, किसको लेटर लिखेंगे, एलजी कंपनी को लिखेंगे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो 4 मार्च 2024 पेपर के लिए जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश कंपल्सरी के पेपर में देखने को मिलेंगे, उसके लिए हम एक जल्द ही कल या परसों एक फुल क्लास आएगी जो कि एक लंबी क्लास होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रामर के सभी प्रश्न, पूरा ग्रामर का निचोड़, यानी लगभग 30 नंबर, ठीक है, 30 या 25 नंबर ऐसे कुछ ग्रामर है, तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो उसके लिए एक अलग से हम क्लास यहाँ पर अटेंड करवाएंगे। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर, जिसमें मैं ओनली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपको 100% 4 मार्च 2024 के पेपर में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, तो कीपिंग क्वाइट, इससे यहाँ पर ये क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना, जितने भी है आप लिख लीजिए, अभी वीडियो को पोस्ट करके इसको लिख ले, ठीक है, और ये नोट कर ले, 100% आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट, काफी महत्वपूर्ण है, हु इज मिस्टर लैम, व्हाट इज डिसेबिलिटी हैड, ठीक है, ये एक्सपीरियंस से यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सभी के लिए, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, द टाइगर किंग हो या व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू, थर्ड लेवल, दोनों ही क्वेश्चंस क्या है, महत्वपूर्ण है,
तो अच्छे से यहाँ पर तैयार करिएगा, ठीक है। द वर्ड्स रिटन ऑन द कैप ऑफ द सोल्जर वियर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, US क्या हो जाएगा एयरफोर्स। द होम ऑफ नैरेटर ग्रैंडफादर इज, तो कौन है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है। वॉट डीड मिस्टर लैम यूज टू मेक जेली, ठीक है, तो कैसे यहाँ पर यूज, ठीक है। शाम वाजे क्या था, हिस्टोरियन था, इंजीनियर था, फिलोसॉफर था या फिर साइंटिस्ट था। स्टूडेंट ऑन आइश, ठीक है, प्रोग्राम वाज हेडेड बाय किसके द्वारा। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किलेड विद इन 10 ईयर्स, कितने मारने थे, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक पैसेज आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैसेज है, ठीक है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का जो पैसेज है, मिस्टर हेमेल वाला जो यहाँ पर लेसन है उससे एक पैसेज दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आसानी से आपको रीड करना है, ठीक है। जब तक आप पैसेज को रीड नहीं कर पाएंगे तब तक उनके आंसर को आप ढूंढ नहीं पाएंगे, आंसर को नहीं कर पाएंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर इस क्लास को लाइक करें। दैट दे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज स्टिल एंड क्वाइट एस, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, डायरेक्ट क्या करना है, जो मेन वर्ड है ना उसको पैसेज में फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है आपको, पैसेज में। इसमें मेन वर्ड क्या रहेगी यहाँ पर, स्टील एंड क्वाइट एस, ये जो वर्ड है वो आपको जिस लाइन में मिलेंगे उस लाइन में ही इन चारों में से एक वर्ड होगा और वही इसका आंसर होगा, ठीक है। मिस्टर हेमेल वाज वॉकिंग विद ए, तो वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉकिंग विद ए क्या रहेगा, मेन वर्ड रहेगा, जिसमें ये लाइन होगी, जिसमें चार में से एक ऑप्शन मिलेगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको दो बताए, लास्ट में एक तो आएगा सिमिलर वर्ड, ठीक है, क्या आएगा सिमिलर वर्ड, दूसरा आएगा ऑपोजिट, जिसे आपको वर्ड एंटोनिम्स भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों ही एक ही है चाहे, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड यानी समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे सीरियस, सीरियस का अर्थ क्या होता है, गंभीर होता है, क्या होता है, गंभीर होता है, तो इसमें जो स्ट्रेंज है इसका भी अर्थ क्या होता है, सीरियस ही होता है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस वर्ड, तो ये ऑपोजिट है अगली का, अगली का अर्थ क्या होता है, भद्दा होता है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है, बाकी ये देख सकते हैं लॉस्ट स्प्रिंग से मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज, जो यहाँ पर ग्लास बैंगल जो इंडस्ट्रीज है उनके कार्य को किस प्रकार से मेंशन करना है, तो उसमें क्या क्या मेंशन किया गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिको से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर सोशल एंड कल्चर अलिपमेंट हुआ, ठीक है, चंपारण में। व्हाट टू मोस्ट सेलिब्रिटीज, ठीक हैड टू बी इंटरव्यूड, द इंटरव्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, द रेट्रेप से भी ये देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेंजा, और स्टेंजा 100% आपको यहाँ पर मिलेगा, 6 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का आपको यहाँ पर स्टेंजा देखने को मिलेगा। स्टेंजा का फॉर्मेट याद रखना, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा उसमें, रेफरेंस, क्या लिखेंगे, रेफरेंस, जिसमें पोएम और पोइट इन दोनों का विवरण होगा। उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट वाला जो लिखना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है एक्सप्लेनेशन, क्या होगा, एक्सप्लेनेशन। तो इस प्रकार से तीनों का तीनों को फॉर्मेट से अच्छी तरह से आपको लिखना है, आपके मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा पेपर था, काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर था आप सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था आप सभी के लिए। तो जितने भी यहाँ पर, ठीक है, स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को देखा है आप सभी के लिए, ठीक है, तो फायदा है आपको पूरा का पूरा हुआ, जो यहाँ पर 4 मार्च 2024 में इनमें से 100% आपको 4-5 प्रश्न आपको हुआ देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, लगातार जो क्लासें आ रही है उन सभी क्लास को क्या करना है आपको, यहाँ पर देखते रहना है।